कोरोना संक्रमण को लेकर के चीन को 100 से ज्यादा देशों ने घेर रखा है। वायरस संक्रमण पर घिरे चीन के खिलाफ WHO में 100 से ज्यादा देशों ने एक प्रस्ताव का समर्थन किया। यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव में वायरस कहां से निकला इसकी जांच कराने की मांग की गई थी, इसका भारत ने भी समर्थन किया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव का ना तो समर्थन किया और ना ही विरोध पर उतरे। प्रस्ताव के कुछ घंटे बाद ही चीन के राष्ट्रपति ने WHO की एक सभा को वीडियो के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वायरस को लेकर उठी चिंताओं को हम समझते हैं, पहले यह संकट खत्म हो जाए फिर हम इस मामले की विस्तार से जांच करेंगे। चीनी राष्ट्रपति सी चिनफिंग ने कहा कि चीन जांच के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया की स्थिति सामान्य होने के बाद इसकी जांच की जानी चाहिए। कोरोना वायरस महामारी दुनिया भर में 3,17,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। 48,00,000 से अधिक लोग इसके संक्रमण की चपेट में हैं। अमेरिका सहित कई देश चीन पर कोरोना वायरस को लेकर जानकारियां छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। चीन के वुहान में वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इस मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका में जुबानी जंग भी चल रही है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया है कि चीन अगर चाहता तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैलता। चीनी सरकार ने संक्रमण फैलने पर गंभीर खतरा होने की जानकारी के बावजूद अपने लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। इससे पूरी दुनिया में वायरस के संक्रमण का खतरा और भी गहरा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में चीन को क्या और किस तरह का दंड दिया जाना चाहिए, इसका फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।